मुरादाबाद में समाज सेवी शिखा गुप्ता द्वारा लगातार देश और महिला हित के लिए काम किए जाते रहे हैं। यही वजह है कि शिखा गुप्ता के कार्यों की पूरी जनपद में तारीफ की जाती है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक के बीच चलने के लिए आदेश दिया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां प्रशासन और सरकार काम कर रही है, तो वहीं शिखा गुप्ता भी अपना भरपूर योगदान देती हुई दिखाई दे रही हैं। गुप्ता परिवार के द्वारा संचालित होने वाले सभी फैक्ट्री नेत्र संस्थान और कई क्षेत्रों में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, उनको तिरंगा झंडा वितरित करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। महिलाएं भारतीय तिरंगा बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। शिखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि यहां से तिरंगा बनने के बाद हमारे सभी कर्मचारियों को वितरित किया जाएगा, जिससे वो अपने घरों पर ये तिरंगा लगा सकें, हर घर तिरंगे कार्यक्रम को हम सफल बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दे सके। शिखा गुप्ता ने सिटी चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि हमारा उद्देश्य यही है कि देश और समाज की सेवा के लिए हम सब मिलजुल कर काम कर सकें। जी मैम, क्या कार्य करें? प्रोजेक्ट स्नेह एनजीओ में आज प्रोजेक्ट स्नेह की लड़कियों के द्वारा 5000 तिरंगे झंडे बनाए गए हैं। इसका ऑर्डर हमें अमरोहा प्रशासन ने सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट्स के माध्यम से हमें मिला था, और ये पूरे हमने अपने संविधान के मान की मर्यादा को रखते हुए इसको पूरे सम्मान के साथ इसकी कटिंग करी, इसकी प्रिंटिंग इन हाउस करके इसको सिलवा कर पैक करवा कर अमरोहा प्रशासन को हैंडओवर कर दिए गए हैं। मेरा प्रत्येक नगरवासी से एक आवेदन है, जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आवेदन है हर घर तिरंगा, मैं भी आपसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रत्येक को अपने घर पे अपने भारत की शान तिरंगे झंडे को फहराना चाहिए। और एक प्रोजेक्ट स्नेह की लड़कियों ने इस सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के अंतर्गत हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नेत्रदाता परिवारों को सम्मानित करने का एक प्रोग्राम करते हैं। उसमें भी हम जितने भी नेत्रदाता परिवार आते हैं उनके लिए भी हमने एक तिरंगे कपड़े की पट्टियाँ भी बनाई हैं, जो कि सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में दे दी गई हैं। ये कार्य भी प्रोजेक्ट स्नेह की लड़कियों के द्वारा किया गया है। जय हिंद, जय भारत।